हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू गेमप्ले ऑफ WWE 2K23। तो आज का फाइट है टीम रोमन वर्सेस टीम मेन इवेंट जेउसो और एडम कोपलैंड के साथ। तो ये टीम सजेस्ट किया गया था, जो भी कमेंट सेक्शन पे कमेंट करते हैं तो उनका टीम का सजेशन हम देखते हैं। तो उसके साथ आज मैच है, तो देखते हैं क्या टीम रोमन इस टीम को हरा पाता है कि नहीं। तो लेट्स गो, मैच को स्टार्ट हो रहा है। जब तक आप वीडियो को लाइक मार दो, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, नोटिफिकेशन ऑन कर देना ताकि आप लोग इस तरह का मजेदार वीडियो मिस ना कर पाओ। और यहाँ पे ऑटन आया है चालू करने मैचेस को, और यहाँ पे टीम जेउसो से खुद जेउसो आया है कैप्टन आते ही स्टार्टिंग करने, और यहाँ पे ऑटन का आते ही शुरुआत हो चुका है। यहाँ पे आरक्यू का ट्राई किया जा रहा पर आरक्यू लग नहीं पा रहा, आते साथ ही आरक्यू का ट्राई ऑन ऑन हो चुका है। तो देखना होगा जेउसो को आरक्यू कितना समय पे के बाद लगता है, पर जेउसो भी ये वाला तो बहुत खतरनाक ही मैचेस करता है, ये तो अपने को चुना हुआ है। और यहाँ पे फेस किक और यहाँ पे खतरनाक वाला पहला फिनिशर मूव आरक्यू की जगह जेउसो ने भी लगा दिया अपना पहला फिनिशर मूव। और बीच में एडम कोपलैंड आया था पर यहाँ पे क्या करना चाह रहा, पर रोमन स्टेवलचेव को भी जेउसो लगाने का चाह रहा फिनिशर मूव, पर रोमन थोड़ा सा पीछे था तो बच गया। पर यहाँ पे ऑटन इस फिनिशर का तो बदला जरूर लेगा, क्योंकि इतना जल्दी फिनिशर खा के तो ये अपना बेइज्जती नहीं कराएगा, क्योंकि टीम रोमन का स्टार्टिंग स्ट्रैटेजी है कि अब अगला वाला ओपोनेंट को थोड़ा सा डैमेज देके सुला देता उसके बाद फाइट करता, पर रोमन रिंग्स से ये बीच में बहस करने गया पता नहीं क्यों। और यहाँ पे हाई फ्लाइंग मूव रोमन रिंग्स ट्रैवल शेफ को लगा दिया बीच में, ये नहीं करना चाहिए था जेउसो को, ये थोड़ा महंगा पड़ेगा, ऑटन इसका बदला जरूर लेगा और ये बदला थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा मुश्किल पड़ेगा जेउसो को। और यहाँ पे बदला ले लिया गया है आरक्यू के फॉर्म में, यहाँ पे आरक्यू लगा के सीधा सीधी बदला लेते हुए यहाँ पे रोमन स्टेवलचेव का बेइज्जती था, क्योंकि हाई फ्लाइंग मूव बेचारा खा गया था जेउसो से, हाई फ्लाइंग मूव था और एक और फिनिशर शायद जेउसो एलिमिनेट होगा ये फिनिशर के बाद। और यहाँ पे सीधा फेस पे किक मार के जेउसो को एलिमिनेट कर दिया गया है, और बचा है लास्ट एडम। तो एडम को आना चाहिए अंदर के अंदर, क्या कर रहा है ये बाहर रोमन स्टेवलचेव से फाइट कर रहा है अंदर, यहाँ पे इसका टीम मेंबर ही एलिमिनेट हो चुका है, इसको ये भी का नॉलेज नहीं है लग रहा है, और यहाँ पे अंदर ही फाइट कर रहा है जेउसो थोड़ा सा बुरा हालात में जाते हुए रिंग के बाहर से, बीच में इंटरफेरेंस करना चाहिए था। एडम आ चुका है, एडम के पास भी फिनिशर मूव है, तीन तीन फिनिशर मूव ऑलरेडी है, ऑटन सारा फिनिशर मूव यूज़ कर लिया और ऑटन यहाँ पे टर्न एक्शन कर रहा है, और एडम यहाँ पीछे में क्या ही करना चाह रहा है। और एडम आते हुए रिंग के अंदर, और यहाँ पे ऑटन को शायद आते ही आरक्यू लगाने का सिचुएशन था पर नहीं लगा पाया, और यहाँ पे एडम का ड्रॉप किक सीधा सीधी फेस पे लगते हुए, और रोमन स्टेवलचेव को यहाँ पे दे दिया गया है टैग। अब थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो चुका है एडम के लिए, क्योंकि अभी फिर भी सिचुएशन था 1v2 का, और ऊपर से रोमन स्टेवलचेव रिंग के अंदर आ गया तो कोई चांसेस नहीं है कि एडम 1v2 ले जाएगा, वो भी स्टेवलचेव के सामने अगर एलिमिनेट कर देता तो फिर तो भाई ये टीम तो फिर बहुत खतरनाक टीम हो जाएगा, पर ये बहुत कम चांसेस है इस टीम का इस सिचुएशन में निकलने, क्योंकि जो भी टीम फाइट किया है इस सीरीज में, जो भी टीम रोमन से फाइट किया है तो वो निकलना मुश्किल है 1v2 सिचुएशन पे। अभी तक के कोई भी टीम नहीं देखे जिसका एक सुपरस्टार एलिमिनेट हो गया और टीम रोमन से वो विन करके ले गया, हमेशा अगर ये सिचुएशन आता तो टीम रोमन ही विन कर रहा है। और यहाँ पे सुपरमैन पंच आ गया तो भाई साहब एडम का तो गेम तमाम है, और यहाँ पे फिनिशर मूव सीधा सीधी पड़ेगा, हाँ एक सिचुएशन पे बच सकता है, अगर एडम यहाँ पे फिनिशर मूव लगातार लगा दे तो रोमन स्टेवलचेव को थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है इस मैच के अंदर, पर वो तो इम्पॉसिबल थिंग है, तो इम्पॉसिबल को इम्पॉसिबल ही रहने दो। और यहाँ पे पिन आउट का ट्राई पर कोई फायदा नहीं, एडम यहाँ पे फिनिशर मूव चाहिए रहेगा, और रोमन स्टेवलचेव को फिनिशर का कमी नहीं था, और यहाँ पर रनिंग स्पेयर लगा के सीधा सीधी मैच को एंड करने का सही टेक्निक था, और यहाँ पे सीधा सीधी मैच एंड होते हुए टीम रोमन के साथ। अगर नेक्स्ट टीम किसका फाइट करना है आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, उस टीम के साथ अपन करेंगे, क्योंकि रोमन इसका टीम का सीरीज थोड़ा सा आप लोगों को ज़्यादा पसंद आ रहा है तो अपन यही सीरीज लाते रहेंगे। तो नया नया टीम सजेशन आप लोग डाल दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अगर वीडियो को यहाँ तक देखें तो बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए, और वीडियो को लाइक मार दिए, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन और बेल आइकन दबा दिए ताकि आप लोग इस तरह का मजेदार वीडियो का अपडेट मिस ना कर पाओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।